राम राम किसान भाइयों, मैं अरविंद तोमर, आप देख रहे हैं एके किसान न्यूज चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धान की फसल में पहली यूरिया कब दें और कितनी मात्रा में दें और पहली यूरिया के साथ क्या मिलाकर लगाएं। ये जानने से पहले जो किसान मित्र हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अभी से लाइक कर लें कि खेती बाड़ी से संबंधित और मंडी भाव की वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम हमेशा लाते रहते हैं और इस वीडियो को किसानों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो किसान भाइयों, धान में पहली यूरिया की जब हम बात करें तो धान में पहली यूरिया रोपाई के 15 से 20 दिन बाद आप दे सकते हैं और इसकी मात्रा की जब हम बात करें तो धान में रोपाई के 15 से 20 दिन पर आप धान में यूरिया 40 से 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं और इसके साथ आप डूपॉन्ट कंपनी का फटेरा 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर लगा सकते हैं, क्योंकि फटेरा धान में किसान भाइयों तना छेदक है, उसको नहीं आने देता है और यह धान में तना छेदक के अलावा धान के पौधे की ग्रोथ भी किसान भाइयों करता है तथा यह धान में कलों के फुटाव में भी बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। अगर फटेरा आप अपने धान के खेत में पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो इसे 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप लगा सकते हैं। अगर दूसरी बार उसी खेत में प्रयोग कर रहे हैं तो इसे थोड़ा बढ़ाकर किसान भाइयों आप लगाएं तो उसमें आप 5 से 6 किलो ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप फटेरा का किसान भाइयों धान में प्रयोग कर सकते हैं। अगर फटेरा के लगाने की बात करें तो फटेरा लगाते समय खेत में किसान भाइयों पानी नहीं होना चाहिए और फटेरा लगाने के बाद 10 से 12 घंटे तक धान में किसान भाइयों पानी सूखना नहीं चाहिए, जिससे फटेरा किसान भाइयों धान में बहुत अच्छा काम करता है। और किसान भाइयों यह विशेष ध्यान रखें कि फटेरा धान में रोपाई से 30 दिन तक लग जाना चाहिए धान में और यह धान में किसान भाइयों तना छेदक पर लगभग 2.5 से 3 महीने कंट्रोल करता है। और किसान भाइयों, मैं इस वीडियो में किसी कंपनी विशेष प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी अच्छी कंपनी का ये प्रोडक्ट आपको मिल जाता है तो आप किसी अच्छी कंपनी का भी ये लगा सकते हैं। इसमें जो टेक्निकल की जो हम बात करें तो क्लोरोट्रायनिल प्योल 0.4% GR इसमें टेक्निकल होता है, ये टेक्निकल किसी अच्छी कंपनी का भी आप लगा सकते हैं। किसान भाई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। फिर मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।